पर्यटन नगरी डलहौजी को स्वच्छ व हरा भरा बनाए रखने के उद्देश्य से नगर परिषद डलहौजी ने गुरुवार को उपमंडलीय प्रशासन, वन विभाग, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डलहौजी के स्कूली बच्चों और एनजीओ रमणीय डलहौजी के सहयोग से पौधारोपण अभियान का शुभारंभ। एसडीएम जगन ठाकुर ने बकरोटा वार्ड में धूपघड़ी के समीप देवदार का पौधा रोप कर किया, जिसमें वार्ड पार्षद रीना जरियाल, नगर परिषद डलहौजी की कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल, भारत सरकार की रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी एवं समाज सेवी किरण चड्डा और एनजीओ रमणीय की रेणुका चौधरी आदि ने भी पौधारोपण करके अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इस विशेष पौधारोपण अभियान के तहत बकरोटा में चयनित विभिन्न स्थानों पर स्कूली बच्चों के माध्यम से देवदार के 200 पौधे रोपे गए। एसडीएम जगन ठाकुर ने वार्ड के लोगों से लगाए गए पौधों की देखभाल व संरक्षण का आह्वान करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भी पौधारोपण सीजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण के संतुलन को बरकरार रखने में योगदान दें। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज नगर परिषद डलहौजी की तरफ से 200 पौधों का जो है पौधारोपण हो रहा है बकरोटा में। इसमें नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे बीच में डॉक्टर किरण चड्डा मैडम, रमणीय डलहौजी से मैडम रेणुका चौधरी, हमारे काउंसिलर बकरोटा से गवर्नमेंट सीरीज कैंट्री स्कूल के टीचर और छात्र, पथ सेंटर से सभी का यहाँ पे जो सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और ये जो आज हम पौधारोपण कर रहे हैं, इसमें सीधा सा मैसेज ये है कि हम लोग वर्ष भर जो प्रकृति को नुकसान करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के माध्यम से है, चाहे हम प्लास्टिक को जलाते हैं, या कोई भी किसी प्रकार का जो हमारा एक्ट होता है, वो मुझे लगता है कि उसकी भरपाई हम सभी पौधारोपण करके करें, ताकि जो पर्यावरण को हमने दूषित किया है उसको हम दोबारा से रिवाइव करें। क्योंकि आज यदि हम अपने पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसको इस तरह नहीं लेना कि हमने ये अपने इस क्षेत्र को बचाया, हमने पूरे विश्व को बचाने का प्रयास किया है। तो इसके लिए सहर्ष हम सभी को योगदान देना चाहिए, और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो भी आज यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, उनको बधाई भी देता हूँ, और विशेषकर बच्चों को, क्योंकि इन्हीं बच्चों के माध्यम से ही पर्यावरण को बचाने का जो संदेश है वो आने वाले समय में अच्छे से जाएगा। और मैं यहाँ की प्रेस का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारी बात को जो है लोगों तक पहुँचा रहे हैं।